गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो आज हमारे सामने कुछ वर्ड्स हैं, अब हम इसे पढ़ेंगे और लिखेंगे. ओके, तो आपके पास क्वेश्चन है, पढ़ो और लिखो. ये क्या लिखा हुआ है? हमने ई की मात्रा देखी थी, की, घी, खी. तो जब कोई व्यंजनों पर ई की मात्रा लग जाती है तो वो क्या बन जाता है? उसके साथ ई जुड़ जाता है. जैसे ग के साथ ई, घी. वैसे अगर मैं ज के साथ ई लगाऊंगी तो वो क्या बनेगा? झी. न के साथ ई लगाऊंगी तो वो क्या बनेगा? नी. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, अपन को रीड करना है और उसे लिखना है. क्या है ये? द पे ई की मात्रा, दी. न, दिन. क्या है ये? द, ई, दी और न, दिन, दिन. ठीक है, ये क्या है? न, दी, या. आ की मात्रा, न, दी, या, नदिया. न, दी, या, नदिया. न, दी, या, नदिया. ठीक है, क पे ई की मात्रा, की, सा, न, किसान. की, सा. आ की मात्रा है ना, स की. जब आ की मात्रा जुड़ती है तो आ का साउंड आता है. की, सा, न, किसान. की, सा, न, किसान. ठीक है, छ पे ई की मात्रा, ची, न, चिन, म, ई, मी, न, मिन. चिन, मिन. चिन, मिन. चिन, मिन. चिन, मिन. चिड़िया, चिड़िया. चिड़िया, चिड़िया. च पे ई की मात्रा, चिड़िया, चिड़िया. ऐसे ही अगर अपने पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे हिंदी के जिसमें ई की मात्रा लगी हुई होगी तो आपको उसे पढ़ना आना चाहिए. दे, न, दिन, नदिया, किसान, चिनमिन, चिड़िया. ओके, तो ये वर्ड्स आपको अपनी कॉपी में करना है. फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.